आज की राजनीति, सामाजिक मसलों और चटपटी खबरों को कुछ देर के लिए विराम देकर यदि इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जो रहस्यों से घिरा है। हजारों ऐसी कहानियां हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है और लाखों ऐसे वचन हैं जो जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं। भारत वो धरती है जिसकी माटी के नीचे सदियों से जाने कितना सोना और खजाना छिपा हुआ है। रहस्यों से घिरा ये खजाना और उसकी कहानियाँ हर किसी को आकर्षित करती है। देश का शायद ही कोई कोना होगा जहाँ की जमीन के नीचे दबे खजाने के किस्से आम न हो। ऐसा ही एक किस्सा है बिहार की सोन गुफाओं का। जी हाँ, अक्सर खजाना खोदकर निकाला जाता है, पर बिहार के राजगीर में ऐसी गुफाएं हैं जहाँ सोने की परतें साफ दिखाई देती है और एक विशाल दरवाजा जिसके पीछे जाने कितनी ही अकूत संपत्ति दबी है। यह बात और है कि सदियों से बंद इस दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया। कहा जाता है कि यह खजाना महाभारत कालीन राजा जरासंध का है। वहीं कुछ लोग इसे मगध साम्राज्य के राजा बिंबसार का भी मानते हैं। तो चलिए, आज आपको लेकर चलते हैं बिहार की रहस्यमयी सोन गुफाओं में और जानते हैं इस खजाने का राज। बिहार में एक कस्बेनुमा शहर है राजगीर, जहां विभारगिरी पर्वत की तलहटी में कुछ गुफाएं हैं जिसकी दीवारों पर ही सोना मढ़ा हुआ है। इतिहास में दर्ज है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से भी सैकड़ों साल पहले 558 ईसा पूर्व मगध के राजा बिंबसार थे। राजगीर बिंबसार के साम्राज्य की राजधानी थी, जहां उनका महल भी था। वह केवल 15 साल की उम्र में ही सम्राट बने और 52 साल की उम्र तक राज किया। कहा जाता है कि मगध में इतनी संपत्ति थी कि उससे पृथ्वी के कई देशों की अर्थव्यवस्था कम से कम 50 सालों तक निरंतर बिना किसी रुकावट के चल सकती है। बिंबसार के कार्यकाल के दौरान कई राजाओं ने उनकी अधीनस्था स्वीकार की थी और अपनी संपत्ति राजा को समर्पित की थी। महल में रहते हुए बिंबसार के दुश्मनों की भी कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने विभारगिरी पर्वत के आसपास कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया, जहां उन्होंने महल का सारा सोना, हीरे और जवाहरात सुरक्षित रखे। इन गुफाओं की सुरक्षा के लिए राजा का सबसे अच्छा सैनिक दस्ता हर वक्त तैनात रहता था। इन गुफाओं का निर्माण और खजाने को रखने के राज के बारे में विश्वसनीय सैनिकों के अलावा किसी और को कोई जानकारी नहीं थी। बिंबसार को राजगीर में ही गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका संरक्षण करने का निर्णय लिया। इस बात से बिंबसार का पुत्र अजातशत्रु नाराज था। वह जल्द से जल्द राजा बनना चाहता था, साथ ही अपने पूर्वजों के खजाने का भी पता लगाना चाहता था। उसने अपने पिता को ही बंदी बनवा लिया और तब तक उन्हें भोजन नहीं दिया जब तक वे खजाने का पता नहीं बता देते। बिंबसार ने आखिरी वक्त तक मुंह बंद रखा और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि तब से यह खजाना एक राज ही बना हुआ है। खजाने का दरवाजा खोलने की विधि केवल बिंबसार जानता था। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक कोई भी दरवाजे के पीछे का रहस्य नहीं जान पाया। वैसे तो पुरातत्व विभाग को गुफाओं का मुआयना करने पर जो भी प्रमाण हासिल हुए हैं वे राजा बिंबसार की थ्योरी को पुख्ता करते हैं, पर यहाँ से जुड़ी दूसरी कहानी भी है। यह कहानी है महाभारत कालीन राजा जरासंध की। जरासंध कंस का ससुर था और उसका वध पांडुपुत्र भीम ने किया था। कहा जाता है कि मगध देश के राजा जरासंध ने अलग अलग हिस्सों में दो माओं की कोख से जन्म लिया था और राक्षसी जरा ने अपनी माया से उसे एक शरीर प्रदान किया था, इसलिए उसका नाम जरासंध कहलाया। जरासंध बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था। वह शिव भक्त था और खुद को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता था। उसने तय किया था कि 100 राजाओं को युद्ध में हराकर उसकी एक साथ बलि देगा, जिसके बाद दुनिया पर केवल उसे ही राजाधिराज माना जाएगा। जरासंध ने अपनी योजना को पूरा करते हुए करीब 86 राजाओं को परास्त किया और उन्हें पहाड़ी के किले में कैद कर लिया। इसके साथ ही उसने हारे हुए राजाओं के राज्य के खजाने को लूट लिया, उन्हें विभारगिरी पर्वत की तलहटी में सुरक्षित रख लिया। इसके पहले कि वह 100 राजाओं की बलि दे पाता,
पांडवों ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध ने भीम के साथ बिना किसी अस्त्र के कुश्ती लड़ना स्वीकार किया। दोनों के बीच 13 दिनों तक लगातार कुश्ती होती रही। 14वें दिन श्री कृष्ण का इशारा करने पर भीम ने जरासंध की शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सभी बंदी राजाओं को छुड़वा लिया गया। उन सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा स्वीकार कर लिया, पर वे कभी नहीं जान पाए कि जरासंध ने उनके खजाने के साथ क्या किया। बहरहाल सोना छिपाने के लिए गुफाओं का निर्माण महाभारत काल में हुआ हो या फिर मौर्य काल में, लेकिन दिलचस्प तो यह है कि इन गुफाओं की बनावट पुरातत्व विभाग के अनुसार इन गुफाओं को अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि केवल एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। यही कारण है कि इनमें कहीं कोई जोड़ नजर नहीं आता और इसलिए वे गुफाएं सदियों से संरक्षित है। गुफाओं में 2 बड़े कमरे बनवाए गए थे, एक सैनिकों के ठहरने के लिए और दूसरा खजाना रखने के लिए। खजाने वाले कमरे पर एक बड़ी चट्टान रखी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं डिगा पाया। कहा जाता है कि इसी कमरे में सोना रखा हुआ है। जब अंग्रेजों को बिहार की इन गुफाओं के बारे में पता चला तो उन्होंने बड़ी चट्टान पर तोप चलवाई थी जिसके निशान आज भी बने हुए हैं। हालांकि उसका कोई असर नहीं हुआ, वैसे सोने की इन गुफाओं के कई और भी रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। जैसे गुफाओं पर सोनेनुमा पेंट किया गया है जो सदियों से संरक्षित है। माना जाता है कि यह असली सोने की परत है। गुफा के कमरे में चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे अब तक कोई भी नहीं समझ पाया है। कहते हैं कि यह खजाने का दरवाजा खोलने का तरीका लिखा हुआ है। सोन भंडार की इन गुफाओं में जैन धर्म के अवशेष भी मिलते हैं। पास ही स्थित कुछ गुफाओं में 6 जैन तीर्थकरों की मूर्तियां भी चट्टान में उकेरी गई है। इससे कयास लगाए जाते हैं कि इन गुफाओं का संरक्षण जैन अनुयायियों ने भी किया है। इन गुफाओं के बाहर भगवान विष्णु की प्रतिमा से अनुमान लगाया गया है कि कुछ काल तक गुफाओं का संरक्षण वैष्णव संप्रदाय के अधीन रहा। हालांकि भगवान की यह प्रतिमा अधूरी है, इससे साफ है कि वे किसी कारणवश उन लोगों को भगवान की मूर्ति पूरी किए बिना ही वहां से जाना पड़ा। बहरहाल सवाल चाहे जितने भी हो, उसके जवाब समय की गर्त में छिपे हैं। खजाना राजा जरासंध या बिंबसार में से किसी का भी हो, यदि वह है और उसे खोजा जा सका तो शायद यह भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अभूतपूर्व खोज होगी। दोस्तों, अगर आप भी राजगीर की रहस्यमय गुफाओं के बारे में कुछ जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।